हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत जून 2020 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय द रो रिडक्शन मेथड। रो रिडक्शन मेथड के द्वारा हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की सहायता से इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस रिलेशन को लेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए की जगह इस मैट्रिक्स को ले लेंगे और आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ले लेंगे और इस ए को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस ए को हमें आई में कन्वर्ट करना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा, और जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम यहाँ करेंगे वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम इसमें भी करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी करेंगे, और तब हमें यहाँ पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वही मेरा इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं मैट्रिक्स ए, यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 1 0 -1 1 2 0 1 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें यहाँ पर क्या लाना होगा, 1 लाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज सभी 1 होते हैं और बाद में की सभी एंट्रीज 0 होते हैं। तो यहाँ पर हम 1 लाने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग R1 + R2, तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, R1 में R2 को ऐड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2, सेकेंड थर्ड रो एज इट इज उतर जाएगा, 0 1 1। अब यही ऑपरेशन हम इधर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करेंगे, यहाँ 1 0 0 में 0 1 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 0, ये सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज उतर जाएगा, 0 0 1। इसके बाद अब हम यहाँ पर 0 लाएंगे, यहाँ 0 लाने के लिए हम फर्स्ट रो को सेकेंड रो में ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग R2 + R1, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 1 2 2, R2 में R1 को ऐड करेंगे, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, थर्ड रो एज इट इज उतर जाएगा, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर 1 1 0, यहाँ R2 में R1 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 0, थर्ड रो एज इट इज उतर जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज 1 होने चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग R2 R3, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 2 2, अब थर्ड रो सेकेंड रो की जगह आ जाएगा और सेकेंड रो थर्ड रो की जगह आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें भी हमें वही ऑपरेशन करना होगा, इंटरचेंज करना होगा सेकेंड रो और थर्ड रो को, यहाँ आ जाएगा 0 0 1 और यहाँ 1 2 0 ए। अब हमें इस 1 के ऊपर भी 0 एंट्री होना चाहिए और यहाँ भी 0 होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट रो में सेकेंड रो का 2 गुना को माइनस करते हैं और थर्ड रो में सेकेंड रो का 3 गुना को माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग
माइनस टू आर टू एंड आर थ्री माइनस थ्री आर टू। आर वन में आर टू का दुगुना और आर थ्री में आर टू का तीन गुना को माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, 1 0 0 0 1 1 और यहाँ 0 0 1 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स में भी यही ऑपरेशन करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 माइनस टू 0 0 यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा 1 2 माइनस थ्री। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए हमें यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 0। सिर्फ डायगोनल एंट्रीज वन होना चाहिए, बाकी सभी एंट्रीज 0। तो हमें यहाँ पर 0 लाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं आर टू में आर थ्री को माइनस करते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग आर टू माइनस आर थ्री, क्या हो जाएगा 1 0 0 यहाँ हो जाएगा 0 1 यहाँ 0 0 0 1 इज इक्वल टू 1 1 माइनस टू, सेकेंड रो में थर्ड रो माइनस करेंगे यहाँ -1 -2 और यहाँ हो जाएगा 4। फिर अगर यहाँ पर हो जाएगा 1 2 माइनस थ्री। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इधर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो चुका है। तो इस स्थिति में यह जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ हमें यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह यही ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 1 माइनस टू -1 -2 4 1 2 माइनस थ्री। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।